हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड अप्रूवल लेटर के बारे में। अगर आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जो भी मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उनसे आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। ब्रांड अप्रूवल का मतलब हो गया आप उनसे एक ऑथराइजेशन लेते हैं उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रांड अप्रूवल लेटर होता क्या है, क्या एक्चुअल उसका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए एक ब्रांड अप्रूवल लेटर में, सो डैट जब भी आप अपने ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करें अपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपका रिजेक्शन ना हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए ब्रांड अप्रूवल लेटर क्यों ज़रूरी होता है, और क्या ऐसा कोई तरीका है जो कि बिना ब्रांड ऑथराइजेशन लिए हुए भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा सो डैट आपका कोई भी यहाँ पे डाउट ना रह जाए। वीडियो के एंड में एक छोटा FAQ करूँगा जिसमें कि जो भी कॉमन क्वेश्चन है सेलर्स के रिलेटेड टू ब्रांड अप्रूवल, उसको मैं आंसर करूँगा। बहुत सारे सेलर्स को हमने देखा है जो कि अगर सही तरीके से ब्रांड अप्रूवल नहीं लेते हैं किसी कम ब्रांड से, तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बहुत सारे लिस्टिंग है जिनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा और सारे इन्फॉर्मेशन जो भी दिए गए हैं उनको फॉलो करिए, तो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, और जिन भी सेलर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखते हैं कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेट्स सपोज ये माउस को मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इस माउस को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जब भी सेल करेंगे तो आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा। आप जो भी ब्रांड के नाम से आप सेल करना चाहते हैं उस ब्रांड का नाम का एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, तो इससे क्या होगा, आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, आप इसको ईजिली सेल कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसी प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ऑफलाइन सेल पे भी आपने डाला हुआ है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर्स होंगे जिनका मन होगा इसको ऑनलाइन बेचने के लिए, और अगर वो भी चाहते हैं इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए, तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ब्रांड ओनर हैं, तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि दैट वी आर इंटरेस्टेड टू सेल दिस ब्रांड, हमको ये ब्रांड को सेल करना है मीशो के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप मुझे एक लेटर पे ऑथराइजेशन दे दीजिए सो डैट मैं इसको ऑनलाइन पोर्टल पर बेच पाऊँ। तो बेसिकली आपको एक अप्रूवल मिलता है ब्रांड ओनर से कि आप इस प्रोडक्ट को इस मार्केट प्लेसेस पर बेच सकते हैं। अब जानते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है। अगर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है तो बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट के केसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अदर सप्लायर है जो कि आपके ब्रांड के नाम से बेच रहा है बट वो फेक प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सो ये सब इलीगलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आप एक सप्लायर हैं और आपको ऑथराइजेशन मिला हुआ है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे सेल करने के लिए, तो आप बिना किसी झंझट के आप उस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, और आपके ऊपर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट का केस कोई भी नहीं डाल सकता। इनफैक्ट कोई डालता भी है तो इन दैट केस आप शो कर पाएंगे कि मेरे पास ऑथराइजेशन है ब्रांड के द्वारा एंड आई एम एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का होना। तो अब देखते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपको जब भी रिक्वेस्ट करना है अपने मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के लिए, तो आपको एक फॉर्मेट उनको देना चाहिए कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला जो चीज़ होना चाहिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, कंपनी के लेटर हेड में ये लिखा होना चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो ये आपको लिख के देंगे अपने लेटर हेड के ऊपर। ठीक है, सबसे टॉप में उनका कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। अगर कंपनी का नेम और ब्रांड का नेम सेम है तो वहाँ पे लोगो रहेगा, ब्रांड का लोगो या फिर कंपनी का लोगो उनका। इसके बाद नीचे ये लेटर किसको दिया जा रहा है उनका नाम, यानी कि आपका नाम, अगर आपको मिलने वाला है ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, तो आपका कंपनी का नाम, आपका कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर मैंशन रहेगा। नेक्स्ट वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन रहेगा, ये कि ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर करके कैपिटल्स में या हेडिंग में वहाँ पे लिखा होना चाहिए। इसके बाद वहाँ जो लेटर का बॉडी रहेगा वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मैं सो एंड सो कंपनी को ये ऑथराइजेशन देता हूँ कि मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स ये ऑनलाइन सेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म जरूर वहाँ पे मेंशन करवाइए लेटर के ऊपर कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना चाहते हैं, या फिर आप सिंपली मेंशन करवा सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे हम इस कंपनी को अलाउ करता हूँ सेल करने के लिए। तो जो लेटर का बॉडी है इसमें ये चीज़ डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए। इसके बाद ये भी मेंशन होना चाहिए कि ऑथराइजेशन टाइप क्या है, आपको सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एंड ये सारे चीज़ का ऑथराइजेशन दिया गया, जो जो चीज़ का आपका ऑथराइजेशन दिया गया है वो सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट होने चाहिए, अगर उनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं आप उनको सेल कर रहे हैं तो वो सारे ब्रांड्स के वहाँ पे नाम होने चाहिए। अगर वो कंपनी चाहे तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के नाम भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनी चाहता है कि बस ऑफलाइन में सेल करें, ऑनलाइन पे सेल ना करें, तो वो चाहे तो वो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि इस ब्रांड के दिस प्रोडक्ट्स को ही मैं अलाउ करता हूँ ऑनलाइन सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो पूरा इन डिटेल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के नाम। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। जो भी ब्रांड ओनर हैं वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे, तो ट्रेडमार्क का एक एप्लीकेशन नंबर रहेगा, वो एप्लीकेशन नंबर उनको वहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हो गया ट्रेडमार्क का क्लास मेंशन करना है, किस क्लास से वो बिलोंग करता है। इसके बाद वहाँ पे नीचे में मेंशन होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है, कितने पीरियड के लिए ये ऑथराइजेशन आपको मिल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, वो कम्प्लीटली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, सो डैट मार्केट प्लेसेस को भी ये पता चले कि आपको ऑथराइजेशन कितने पीरियड के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है ब्रांड ऑथराइजेशन का एक नंबर होता है, जब भी वो इशू करते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन, बहुत सारे मल्टीपल सप्लायर्स को इशू करते होंगे, तो उसका एक नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, जो कि वहाँ पे मेंशन होना चाहिए नीचे या फिर ऊपर में। लास्टली कंपनी का ब्रांड ओनर का नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, उनका कंपनी का नाम एंड कंपनी का सील होना चाहिए, एंड ब्रांड ओनर जो है उनका सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस फॉर्मेट में ही आपको वहाँ पे लेटर उनको इशू करवाना है। फॉर्मेट में आप लेटर इशू करवाते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो अमेजोन हो, आपका लेटर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आप लेटर को इस फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहला जो लिंक होगा वहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन के लिए, पीडीएम के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं अपने सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर को, एंड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप सिंपली इसको भेज दीजिएगा अपने मैन्युफैक्चरर को एंड आप उनको रिक्वेस्ट करिएगा कि इस फॉर्मेट में मुझे आप ऑथराइजेशन लेटर लिख के दीजिए, सो डैट मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ध्यान में रखने हैं। आपको बिना ऑथराइजेशन के किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, आपके ऊपर कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट का केस लग सकता है, कोई भी यहाँ पे आपको फाइल कर सकता है केस। अगर ऐसा हुआ और आप ऑथराइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए कि आप ऑथराइज्ड हैं, इन डैट केस आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। आपका लिस्टिंग सस्पेंड तो होगा ही, बट आपका अकाउंट भी इन डैट केस सस्पेंड हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत सारे सेलर्स के मन में होता है। सबसे पहला होगा कि अगर आपके पास इनवॉइस है तो क्या हम एलिजिबल हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को, तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे ऑथराइजेशन लिख के दीजिए। सिर्फ ओरिजिनल इन्वॉइस होने से ये गारंटी नहीं होता कि वो आपको ऑथराइजेशन दे रहे हैं। तो इन्वॉइस का होना जस्ट ये बताता है कि वो आपको अलाउ किए हैं सेल करने के लिए, ये वहाँ पे आप कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपको ऑनलाइन सेल करने के लिए ये ऑथराइज किए हुए हैं। तो सिर्फ इन्वॉइस के भरोसे आप ना रहे हैं, जैसे ही आप किसी ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं, डील करते हैं, तो वहाँ से सबसे पहला जो काम है आपको उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेना है। अगर ऑथराइजेशन मिलता है तभी जाके आप उस ब्रांड से डील करिए, अदरवाइज वहाँ से डील मत करिए, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं तब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। जो भी ब्रांड ओनर है वही आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लिख के दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो ब्रांड ओनर से रिक्वेस्ट करें और आपको एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दिलवा दें, सो डैट आप उसको सेल कर पाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे नहीं देंगे, जो भी ब्रांड ओनर हैं वही आपको दे सकते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर फॉर्मेट सेम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म? क्या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट सभी प्लेटफॉर्म पे सेम होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये सेम नहीं होता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लिखने के लिए। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने जो आर्टिकल का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरा मैंने मेंशन किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या क्या आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए।
इनकेस आपको कोई इशू फेस होता है तो नीचे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, सो डैट मैं जल्द से जल्द आपको रिजोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशू द ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और मार्केटर। बहुत सारे ब्रांड्स के केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर से अपना सामान बनवाते हैं एंड खुद पैकिंग एंड ब्रांडिंग करके उस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर, पैकर और मार्केटर अलग अलग हैं तो इन डायरेक्ट केस आपको, आपका जो ब्रांड ओनर है वो आपका पैकर होता है, गुड्स को जो पैक करते हैं या फिर मार्केटिंग जो करते हैं वो यहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं। इन डायरेक्ट केस आपको जो मार्केटर है उनको कॉन्टैक्ट करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के लिए। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन, अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, मैं आपको श्योर हेल्प करूंगा वहाँ पे। तो ये था कम्प्लीट वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, सो डेट आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएं एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएं। वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो डेट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।